प्रथम तहलका न्यूज। जेसीबी द्वारा धराशायी किए जाने की ये तस्वीरें पानीपत से सामने आई है, जहां पट्टी कल्याणा में जिला नगर योजनाकार व पुलिस की टीम ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरा दिया। बता दें कि विभाग की तरफ से इन्हें 10 दिन पहले नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन जब लोगों ने अवैध कब्जों को खाली नहीं किया तो प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई कर डाली। बता दें कि इसके लिए 40 पुलिसकर्मी व 3 जेसीबी की मदद ली गई। जानकारी के मुताबिक पट्टी कल्याणा में लोगों ने पिछले कई सालों से अवैध अस्थायी रूप से ऑफिस, कॉलोनी व ढाबे खोले हुए थे। हमने कुछ अनुत्राई कंस्ट्रक्शन और एक कॉलोनी में कार्रवाई की है। अनुत्राई कंस्ट्रक्शन पट्टी कल्याणा में थे, 2 कंस्ट्रक्शन थी, उनको हमने तोड़ा, जिसमें एक अनुत्राइज ये NHAI का जो कॉन्ट्रेक्टर है उसने अपने कंस्ट्रक्शन कर रखा था, दूसरा एक कंटेनर डिपो अनऑथराइज चल रहा था वहाँ पे, उन दोनों ने उन पर कार्रवाई की है। DTP अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हाईवे के कॉन्ट्रैक्टर ने अवैध रूप से ऑफिस खोला हुआ था, जिसे गिरा दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर 10 एकड़ की कॉलोनी बसाने की तैयारी थी, जिसकी नींव को गिरा दिया गया है। कॉलोनी की करीब 10 एकड़ की, उसको हमने उसमें नींव और जो रास्ते थे वो तोड़े हैं, और उसके बाद 2 ढाबे थे नेशनल हाईवे के ऊपर, जिसमें एक सांधा चूल्हा और दूसरे का नाम था, दूसरे का नाम ध्यान नहीं आ रहा, 2 ढाबे थे वो हमने तोड़ा। DTP ललित कुमार ने नेशनल हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ढाबों को भी गिरवा दिया, जिनमें से एक ढाबा सांझा चूल्हा शामिल था। प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई बताती है कि अवैध कब्जों को लेकर वे कितने सख्त हैं। अवैध कब्जों की वजह से सरकार और प्रशासन को हमेशा से चूना ही लगता है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।